नमस्कार, मैं हूं रुखसाना। आपके सामने सातवीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर फिर उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है कंचा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अप्पू क्या सोच रहा था? अप्पू सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? सुबह स्कूल आने के समय अप्पू ने कंचा देखा दुकान पर, और उसके दिमाग में बस कंचा कंचा, बस पूरा दिन उसके दिमाग में कंचा ही घूमता रहा। तो वह उसे खरीदने के बारे में सोचने लगा। तो वो क्या सोचा था कि मैं अगर जॉर्ज को साथ ले जाऊंगा तो मुझे खरीदने में आसानी होगी। तो वह जॉर्ज को साथ ले जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, किसे पैसे से खरीद नहीं सकते? रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी को हम क्यों खरीदेंगे पैसे से? हम खरीद भी नहीं सकते। अगला प्रश्न है, वह जॉर्ज के साथ क्या खेलना चाहता है? अप्पू जॉर्ज के साथ कंचा खेलना चाहता है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सबसे अच्छा कंचा खेलता है। चपरासी क्या लाया? चपरासी फीस संबंधी एक नोटिस लाया। यानी क्लास में जब सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तब अचानक चपरासी आया और सबको फीस के बारे में बताया। और जब उसके मास्टर जी ने कहा चलो जिसको फीस भरना है वो जाकर अपनी फीस जमा कर सकते। किसने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली? बच्चे आपस में जब खेल खेल में चिकोटी काटते हैं, एक दूसरे को चिमटी काटते हैं ना, तो राजन ने उसको चिमटी काटी। छठवां प्रश्न है, अप्पू के पिताजी ने उसे फीस जमा करने के लिए कितने रुपए दिए हैं? उसको 1.5 रुपया, यानी 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 1.5 रुपया उस समय फीस थे, स्कूल का इतना ही फीस तब हुआ करता था। सातवां प्रश्न, शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया विशेषण है इधर उधर। आठवां प्रश्न है, नजदीक शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नजदीक का पर्यायवाची शब्द है पास और निकट।